हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजाइनर पूजा पर। आज हम बनाएंगे नेट की कुर्ती, जिसके लिए मैंने 2 मीटर नेट का फैब्रिक लिया और 1/2 मीटर अस्तर का फैब्रिक लिया है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अस्तर को मैंने 4 परत में फोल्ड किया है। शोल्डर की नाप हम 7 इंच पर लगाएंगे, क्योंकि हमें बोटिंग बनाना है। आर्म होल्स की नाप हम 6.5 इंच पर लगाएंगे। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बैक पार्ट की गुलाई हम 2 इंच से करेंगे। फ्रंट पार्ट की गुलाई हम 1.5 इंच से करेंगे। इससे हमारी कुर्ती की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अस्तर की लंबाई हम 13 इंच रखेंगे, 1 इंच मार्जिन रखेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीने की नाप लगाएंगे, 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। कमर की नाप लगाएंगे, 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। गले की नाप लगाएंगे, गले की चौड़ाई 3 इंच और लंबाई 4 इंच है। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। गले की गुलाई देंगे। बैक पार्ट गले की चौड़ाई 3 इंच और लंबाई 2.5 इंच है। गले की गुलाई देंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। हम बैक पार्ट को अलग कर देंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। नेट के फैब्रिक को मैंने 4 परत में फोल्ड किया है। अस्तर को इस प्रकार से रख लेंगे। गले की कटिंग नहीं करेंगे। कुर्ती की लंबाई का निशान लगाएंगे प्लस 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल से 13 इंच पर हम चाक के लिए निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम कमर के निशान से मिला देंगे। हम गले की कटिंग नहीं करेंगे। अस्तर पर हम नीचे साइड डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। निट के फैब्रिक की सीधी साइड हम अस्तर को इस प्रकार से रखेंगे। हमने जो सिलाई लगाई है उसको हम अंदर साइड रखेंगे। पिंस लगा लेंगे ताकि हमें सिलाई करने में कंफर्टेबल रहे। 1/2 इंच पर हम गले और आर्म होल्स पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए सिलाई लग चुकी है। अब अस्तर के बराबर से हम गले की कटिंग कर लेंगे। गले और आर्म होल्स पर हम कट्स लगा लेंगे। कुर्ती को हम पलटाएंगे और कोनों को अच्छी प्रकार से निकाल लेंगे। गले और आर्म होल्स पर हम फिंसिंग सिलाई डाल लेंगे। देखिए हमने फिंसिंग सिलाई लगा ली है। अब हम नेट के फैब्रिक पर अस्तर को जॉइंट कर लेंगे। दोनों पार्टों को हम इस प्रकार से रख लेंगे और शोल्डर पर हम सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई डाल लेंगे। देखिए हमने फिटिंग की सिलाई डाल ली है। अब हम चाक बनाएंगे। फैब्रिक को डबल राउंड में फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। चौक से निशान के 1 इंच ऊपर तक हम सिलाई लगाएंगे और सुई को अंदर रखेंगे और कपड़े से इस प्रकार घुमाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। हम दूसरी सिलाई डालेंगे। जैसे कोना बना हुआ है ऐसे हम सिलाई डाल लेंगे।
की चाक बन चुकी है। ऐसे हम दूसरे साइड भी चाक बना लेंगे और नीचे साइड हम डबल राउंड में फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। देखिए कुर्ती बनकर कंप्लीट हो चुकी है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।